नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर कविता नोनिया आज की शॉर्ट वीडियो में आप सभी के समक्ष जो है एक समय के बारे में छोटी सी बात यहाँ पर कहना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैम बहुत कम टाइम बचा है, अब हम कैसे तैयारी कर सकते हैं या क्या कहेंगे, हमारी स्ट्रेटजी रणनीति होनी चाहिए हमें एग्ज़ाम क्लियर करना, क्योंकि परीक्षा आपकी आप मान के चलिए कि अभी आपके पास में अप्रॉक्सी 22 डेज का समय जो है आपके पास में है। तो ये समय जो है ये आपकी परीक्षा में सफलता तय करता है। बहुत सारे से कि मैम हमारे पास बहुत कम टाइम होता है, हम तैयारी नहीं कर पा रहे, तो आप देखिए कि सभी के पास 24 घंटे होते हैं, कोई उसे सो करके गुजार देता है और उसे कोई सोना बना लेता है। तो ये जो समय है ये एक तरह से कि मैम हमारे पास अगर थोड़ा सा ज़्यादा समय होता तो शायद हम कुछ कर लेते, तो ऐसा मत सोचिए। ठीक है, मान लीजिए आपको विश दी गई कि आपकी पसंद की एक गाड़ी ले सकते हैं, ठीक है, आपकी चॉइस का कलर है, सब कुछ आपके पास में, लेकिन उसके बाद में शर्त ये है कि आप उसके बाद में कभी भी आपको कोई दूसरी गाड़ी नहीं मिलेगी, तो आप उसको कैसे रखेंगे, उस गाड़ी को बड़े ही अच्छे से रखेंगे, आप बहुत वेल कहेंगे मेंटेन कि भाई मुझे दोबारा कभी गाड़ी नहीं मिलेगी, इसलिए मैं इस गाड़ी को बड़े संभाल के रखूँ। तो आपकी पसंद की गाड़ी उसको आप बहुत अच्छे से रख रहे हैं, तो वैसे ही समय है ये, समय जो है आपको एक बार मिला है तो दोबारा लौट करके नहीं आएगा। तो इसी चीज़ से इसको, इस समय को गवाइए मत, इस समय को कहेंगे बहुत यूटिलाइज़ कीजिए अच्छे से, और कहेंगे कि जिसको जिसको सूर्य जगाता है, ठीक है, जिसको सूर्य जगाता है वो कभी शायद अपने जीवन में कामयाबी ना हासिल कर पाए, लेकिन जो सूर्य के उगने से पहले उठ जाता है और जो सूर्य को जगाता है, जो वो ताप सहन करता है, यानी कि अपनी तपस्या, अपने जीवन को आगे बढ़ाने में अपनी तपस्या लगाता है, तो वो ज़रूर ही कामयाबी पाता है। तो अभी ये जो समय है जिसको संध्या के समय में समय मिलता है, रात को जो ज़्यादा पढ़ पाते कि मैम रात को टाइम मिलता है, तो आप वैसे मैनेज कीजिए, लेकिन अपनी पढ़ाई पर अभी पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए और पूरी तरह से इस समय को गवाइए मत, इसका यूटिलाइज़ कीजिए, इसका उपयोग कीजिए और रिविज़न कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कीजिए, प्रश्नों का अभ्यास कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। मैं डॉक्टर कविता नोनिया आपको धन्यवाद। थैंक यू।